नमस्कार दोस्तों, प्री फोर टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो चौथे टाइप की जो टेस्ट बैटरी जो आई है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखें। तो ये देखिए, ये चौथे टाइप का जो टेस्ट बैटरी है, यहाँ पर आपको हाँ को कुछ इस तरह रखना होगा। ठीक है, यानी इधर का पहला पोजिशन और सेकेंड सेक्शन बी का पहला पोजिशन, दोनों को आपको इस तरह हाथ रख के आगे की ओर बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा कि वैसे भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग का दो फिगर लास्ट का एक फिगर को आप मैच पहले करवा लें। ठीक है, ताकि आपको सॉल्यूशन लेने में आसानी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग हम दोनों फिगर को मैच कराएं तो दोनों को सेम है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड पोजिशन से हम लोग काउंट करना चालू करेंगे। तो यहाँ एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस है, तीन डिफरेंस है, तो आप का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड नंबर में देखें तो यहाँ देखें स्टार्टिंग का दो फिगर जो है यहाँ भी सेम है। ठीक है, आपको शुरुआत में ही देख लेना है और लास्ट वाला भी जो है सेम है। ठीक है, जो आपका मेन दिक्कत होता है आपका तीन चार में ही दिक्कत होता है। ठीक है, तीन चार को लेकर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप इसे सॉल्व करें तो आप कोशिश कीजिए कि पहला स्टार्टिंग दो पोजिशन शुरू का और लास्ट का दो पोजिशन मैच करवा लें तुरंत। ठीक है, और बीच का जो है आपको बचा हुआ है तीन चार, उसे आप हाथ के माध्यम से करें, क्योंकि आप जब स्पीड से बनाइएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। तीन पोजीशन चार में काउंट कर लीजिएगा, चार वाला पोजीशन तीन में काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे इस तरह आप हाथ को रखकर आगे की ओर बढ़िएगा तो आपको आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर हम देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को फिगर सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, थर्ड नंबर में जो है आपका दोनों का अलग अलग है, एक हो गया, ये आपका दो हो गया, ये आपका तीन हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और चौथे नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरू का दो पोजीशन सेम है, थर्ड का जो है अलग अलग है, तो एक हो गया। ठीक है, ये देखिए सेम है, इसको काउंट नहीं करेंगे, एक हो गया, फिर आपका दो हो गया। ठीक है, और एक तो तीन हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान रख के वीडियो देखिए करिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।